बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मुझे उस सब्जेक्ट के लिए, बहुत रोए रोई हूँ मैं, बहुत पढ़ना पड़ा रात रात भर जग के। वेलकम टू माई वीडियो। अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज के लिए, लेक्चर मेरा 4 बजे है, पर अभी 1 बजे एक अपॉइंटमेंट है करियर सर्विसेज कर, अभी नहीं निकली तो लेट पहुँचूंगी, और मुझे लेट पहुँचना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बहुत बिजी शेड्यूल होता है कि सब कुछ मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, तो अभी करियर सर्विसेज का काम हो जाए तो थोड़ा टाइम मिलेगा, बाद में मैं देख लूँगी। मुझे बहुत सारे काम है, मोबाइल का स्पेस भी खाली करनी है और एक बुक भी पढ़नी है, थोड़ा बहुत नोट्स भी पढ़ के जाना है, तो देखते हैं आज सब कुछ कैसे होता है क्या होता है। तो बस आप बने रहिए, आप भी आज के वीडियो में देखिए कि इंडियन स्टूडेंट की लाइफ कैसे होती है US में। ये है मेरी फिश, इसको मैंने खाना दे दिया। अभी कॉलेज की जो एस्कॉर्ट होती है वो मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर मुझे बस से जाना पड़ेगा। देखते हैं, क्या दिख तो नहीं रही है। देखिए ये रही एस्कॉर्ट, यहाँ पर है। कॉलेज में और कितना भी लेट हुआ हो वीडियो बनाना नहीं छोड़ती मैं, मतलब ऐसा लगता है बस 5-6 सेकंड ही तो लगेंगे, वीडियो बना लेती हूँ। अभी इसके ऊपर के फ्लोर पे जाना है और बस जाके आधे घंटे तक मेरी अपॉइंटमेंट है, मतलब आधे घंटे तक हमारी मीटिंग चलेगी और उसके बाद फिर फ्री हूँ, फिर थोड़ा रिलैक्स हूँ मैं। मेरी मीटिंग हो गई है और अभी यहाँ पर मैंने फोटो शूट किया जो कि कॉलेज की तरफ से फ्री में होता है, तो अभी मेरे फोटो जो है अपलोड हो रहे हैं, यानी कि मेरे मेल पे आ जाएंगे। हो गया, आ गए। तो इस टाइप से प्रोफेशनल फोटो शूट किया मैंने, आपको फोटो भी अगर पॉसिबल होगा तो अटैच कर दूंगी। अभी स्टूडेंट सेंटर पे जाके थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, और मोबाइल भी मुझे चार्ज करना है। देखिए यहाँ पर पार्किंग है और अभी मुझे नीचे जाना है, नीचे से उस साइड में जाना है, उस साइड में स्टूडेंट सेंटर है। Up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards. लेक्चर के लिए जा रही हूँ, लेक्चर को तो टाइम है, फिर भी जल्दी जाके बेंच पकड़ती हूँ। It's my dreaming, but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. अभी मैं इस क्लासरूम में गलती से आ गई और ये मेरा लास्ट सेमेस्टर वाला क्लासरूम है, तो इस फ्लोर पे आने के बाद वो वैसा होता है ना, अभी मैं मोबाइल में थी और मेरा ध्यान ही नहीं था और चलते चलते इस क्लास में आ गई, तो ये वही क्लास है जो मुझे लास्ट सेमेस्टर में बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसा करूँगी इस सब्जेक्ट का, पर फाइनली उस सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से हो गया और मुझे ए ग्रेड भी मिला उस सब्जेक्ट में। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम ये वो सब्जेक्ट का नाम था। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मुझे उस सब्जेक्ट के लिए, बहुत रोई हूँ मैं, बहुत पढ़ना पड़ा रात रात भर जग के, पर एंड में सब कुछ ठीक हो गया। और अभी यहाँ पर थंबनेल भी अच्छी, मतलब पिक तो अच्छी आ रही है ये बैकग्राउंड भी, तो यहाँ पर एक थंबनेल के लिए फ़ोटो खींचती हूँ, फिर मेरे क्लासरूम में जाके बैठती हूँ। ये देखिए यहाँ के क्लासरूम, और यहाँ पर माइक भी होता है, और यहाँ पर जो प्रोफेसर है ऐसे पेज रखते हैं, और फिर ये जो है प्रोजेक्टर में दिखता है, इसके थ्रू अगर मतलब प्रोफेसर को कुछ लिखना रहा तो यहाँ पर पेपर पे वगैरह लिखते या फिर डायग्राम निकाल के दिखाते हैं। और ये रहा क्लासरूम, मेरे कॉलेज का बाहर का व्यू, यहाँ पर सिटिंग एरिया है तो लोग टाइम पास के लिए यहाँ पर बैठते हैं अगर लेक्चर में ऑफ हो तो। ये है मेरा मेन क्लासरूम, यहाँ पर मुझे जाना था, और देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, मैं फर्स्ट हूँ। कभी कभी तो डाउट ही होता है कि मैं सही क्लासरूम में आई हूँ या नहीं, पर यही है सही है। तो ये है मेरा क्लासरूम और मैं ये देखिए इस फर्स्ट बेंच पे बैठी हूँ, मैंने मेरा मोबाइल भी रखा है, और यहाँ से ऐसे देखने में मुझे मतलब पूरा बोर्ड दिखता है, उस साइड का भी दिखता है, इस साइड का भी दिखता है, तो मुझे ये जगह अच्छी लगती है। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मुझे कॉल्स वगैरह करनी है, वो कॉल करती हूँ।
हो गया हमारा लेक्चर, देखिए आज ये सब कुछ पढ़ाया, बहुत ही सारा डिफिकल्ट है। लेक्चर इज डन, अभी जा रही हूँ घर में, और उससे पहले मुझे दो काम करने हैं, रजिस्ट्रेशन करने हैं दो सेमिनार के लिए, एक सेमिनार है और एक फेयर है, करियर फेयर। तो पहले तो रजिस्ट्रेशन करके घर जा, वहाँ पर देखिए भीड़ है, कुछ हो रहा है, जाके देखना पड़ेगा। I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a घर तो पहुंच गई हूँ और अभी वीडियो बनाना है एक, तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना है और फिर डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये सनलाइट जाने से पहले, वैसे अभी कितने बजे हैं, अभी बजे है 7:15, मतलब 7 बज रहे हैं। फिर भी बाहर देखिए अच्छी खासी लाइट है, तो बस मुझे वीडियो बना, लाइट है जो कि मैं रिटर्न करने वाली हूँ, और यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन है। तो चलो अभी वीडियो जल्दी से रिकॉर्ड करते हैं, और वहाँ पर मेरी स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट भी देखनी पड़ेगी। अभी मैंने ये चश्मा पहन लिया, थोड़ा सा बाल ठीक कर लेती हूँ, और ये चश्मा कुछ खास नहीं लग रहा है क्योंकि वीडियो बनाऊँगी तो ऐसा गोल रिंग लाइट का दिख रहा है, तो ऐसा करते हुए ये मैं गॉगल नहीं पहनती हूँ, चश्मा नहीं पहनती हूँ। और अभी अभी जल्दी से ये करना है, फिर थोड़ा सा रेडी होना है। ये मतलब क्या है, ये है मेरा माइक, तो ये सब कुछ अरेंज करके अभी डायरेक्टली आपको वीडियो शूट करने के बाद ही मिलती हूँ। तो हो गया है वीडियो शूट, और देखिए इस टाइप से मैं वीडियो शूट करती हूँ। अभी एडिटिंग के टाइम पे यहाँ से ऐसे काट लूँगी और फिर पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर लूँगी। तो हो गया मेरा वीडियो शूट, और अभी आज एक क्विक अपडेट देना था मुझे जो कि US एम्बेसी की तरफ से आया है, तो मैंने वो क्विक वीडियो बना ली, अभी एडिट करके पोस्ट भी कर लूँगी, क्योंकि मेरा चैनल बहुत सारे स्टूडेंट फॉलो करते हैं जिनको US में आना है पढ़ने, तो मेरा ऐसा होता है टारगेट कि उनको जल्दी से जल्दी अपडेट मेरे वीडियो के थ्रू मिल जाए। तो आपकी मैं थोड़ी बहुत हेल्प करूँ ऐसा मुझे, तो क्योंकि इनिशियल डे में मैं बहुत परेशान हुई थी, मुझे कोई गाइड करने के लिए नहीं रहता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अभी नए स्टूडेंट है वो तो भी ऐसे डिफ़िकल्टी ना फेस करे। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो शूट कर रही हूँ, व्लॉग नहीं। तो अभी ये रिंग लाइट बंद करती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ, फिर रात के डिनर का देखना है, और डिनर का देखने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई करके सो जाऊँगी। फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा काम है, ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ाई ना करूँ, कुछ ना करूँ, बस खाना मिल जाए, मम्मी यहाँ पर हो जाए रहे, और मैं खाना खाऊँ और आराम से सो जाऊँ। और अभी मैं वीडियो की एंडिंग भी शूट कर लेती हूँ। अभी मैं ये पापड़ खा रही हूँ जो कि मैंने इंडिया से पापड़ लाए हैं, क्योंकि लेक्चर से आओ तो भूख लगती है, और आजकल मैं चाय पीना थोड़ा अवॉइड करती हूँ। पहले तो मैं बहुत चाय पीती थी, और अभी बहुत सारे हेल्दी हेल्दी ऑप्शन भी मैं ऐसे चूज़ करती हूँ, जैसे कि ये देखिए मैंने प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना छोड़ दिया है, इस बोतल से पानी पीती हूँ। जितने भी मेरे पास प्लास्टिक के बर्तन थे, मतलब प्लेट और कटोरे होते हैं, वो मैंने भर के एक साइड में रख दिए हैं, और मैं सिरेमिक और ग्लास की चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो अभी देखते हैं ये कितने दिन तक चलेगा, और शुगर लेना भी थोड़ा बहुत अवॉइड कर रही हूँ, पर चाय पीना तो छोड़ नहीं सकती मैं, तो और बिस्किट और बाहर का ये भी खाना थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। क्या बोलूँ, ये बताना चाहिए या नहीं? तो आपको मेरे लाइफ के बारे में ये छोटी छोटी चीज़ें जानना पसंद है या नहीं, मुझे वो भी आप कमेंट करके बताइए। और आप कमेंट ही नहीं करते हो, तो मैं हर एक के कमेंट पढ़ती हूँ और फिर मुझे वो याद रह जाते। तो एक लड़का था, वो हमेशा कमेंट करता था मुझे, और इंस्टाग्राम में भी मेरे हर स्टोरी को रिप्लाई करता था, तो उसकी प्रोफाइल फ़ोटो जो थी ना, मैं हमेशा देखते देखते ऐसे पहचान में आ गई थी। और वो लड़का मुझे एक बार कॉलेज में मिला, तो उसको तो मैंने ही पहचान लिया। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।